सब्सक्राइब कीजिए वर्ल्ड वाइड ट्यूटोरियल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीप कुमार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड ट्यूटोरियल चैनल को। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आपका जैसे कोई मार्कशीट है, 10th का हो, 12th का हो, किसी भी बोर्ड का हो, सीबीएसई का हो, बिहार बोर्ड का हो, कभी भी भुला जाता है, या फिर दिल्ली बोर्ड का हो, पूरे देश में किसी भी बोर्ड का हो, भुला जाता है, तो आप परेशान हो जाते हैं, मतलब कि कहाँ से लाएँ डॉक्यूमेंट, देर लग जाता है। अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए जल्दी में तो वो देर लग जाता है उसको प्राप्त करने में, सीबीएसई से जाके दौड़ के, या फिर बिहार बोर्ड से, या फिर अदर बोर्ड से दौड़ते दौड़ते आदमी परेशान हो जाता है। तो ऐसे में आज आपको हम बताएंगे एक आसान सा तरीका जिससे कि आप अपना डॉक्यूमेंट जो है सीबीएसई से या बिहार बोर्ड से आसानी से 10th का 12th का सीधे ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं, वेरीफाइड डॉक्यूमेंट जैसा कि हम आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। इसके साथ ही हम आपको पैन कार्ड भी बताएंगे कि कैसे आप पैन कार्ड भी प्राप्त कर सकते हैं डायरेक्टली, जो इनकम टैग है, ठीक है दोस्तों। तो नहीं किया है इस चैनल को, मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे जो लाल कलर का जो बटन दिया होगा जिस पर सब्सक्राइब लिखा होगा उसको क्लिक कर ले, और साथ में उसके जो बेल का आइकन होगा उसको क्लिक कर ले, ताकि जो हमारे चैनल का ऐसे वीडियो अपलोड करते हैं वो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन आ सके, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमको जाना होगा अपने ब्राउजर में, ठीक है दोस्तों, ठीक है। जैसे ही हम अपने ब्राउजर में जाएंगे यहाँ पे लिखना होगा डिजी लॉकर, ये सरकार द्वारा जो निकाला गया है डिजी लॉकर वही है, ठीक है दोस्तों। इसमें जो फर्स्ट वाला है उस पर हम लोग को क्लिक करना। डिजी लॉकर पे आपको मतलब अपना अकाउंट बनाना पड़ता है दोस्तों। अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया, बस सिर्फ कुछ नहीं, यहाँ पे साइन अप फॉर फ्री जो लिखा है उस पर क्लिक करके, और अपना मोबाइल नंबर, आधार नंबर, और जो आपका मोबाइल नंबर पर आएगा कोड वो भर देना है नाम के साथ। बस एकदम सिंपल सा स्टेप है, इसको बना लीजिएगा। हमने अपना अकाउंट बना रखा है तो हम डायरेक्टली साइन इन करेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे अपना यूजर नेम भरेंगे और पासवर्ड भरेंगे, ठीक है, तो हम भर लेते हैं जल्दी से और साइन। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि हम अपने डिजी लॉकर का जो हमारा इंटरफेस होगा, किसी का भी होगा, जो आपका भी होगा, वो इस तरह का होगा इंटरफेस। तो इसमें आपको मतलब यहाँ पे जाना होगा इशूड में, सेकेंड वाला जो डैशबोर्ड इशूड अपलोड था, इशूड में क्लिक करना होगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जो होगा नीचे में देखिएगा, यहाँ पे लिखा होगा चेक पार्टनर सेक्शन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है इस पर हम लोग को क्लिक करना, ठीक है। तो जैसे हम डॉक्यूमेंट निकाल के अभी आपको हम दिखा देते हैं कि कैसे निकलता है, सीबीएसई का ही दिखा देते हैं हम अपना 10th का निकाल के, ठीक है। तो सेलेक्ट पार्टनर पर करना है, तो सीबीएसई पे है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, इसको क्लिक करना है हम लोग को, ठीक है। सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप पे हम लोग को जाना है। यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग को मार्कशीट अगर निकालना है तो ठीक है मार्कशीट निकलेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, कोई सा भी सर्टिफिकेट निकल सकता है इसमें। तो मार्कशीट हम जैसे निकालते हैं 10th का, ठीक है, 10th का मार्कशीट निकालना है तो यहाँ पर हम लोग को भरना होगा ईयर, नाम तो भरा चुका है, ईयर भरना होगा, रोल नंबर भरना होगा अपना, उसके बाद आई प्रोवाइड माई, इस पर क्लिक कर देना होगा गेट डॉक्यूमेंट, हम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। कुछ चीज़ें टेक्निकल इशू के कारण दोस्तों, हम यहाँ पे प्राइवेसी इशू के कारण हम आपको दिखा नहीं सकेंगे, ठीक है, लेकिन हम करके दिखाते हैं। जैसा कि हम भर दिए अपना रोल नंबर और पासिंग ईयर, उसके बाद हम लोग को क्लिक करना है यहाँ गेट डॉक्यूमेंट पे। जैसे ही गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, ये सीबीएसई से जो है डॉक्यूमेंट वहाँ से निकालेगा, ठीक है, उसके बाद आएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, जैसे ही हम लोग डाउनलोड क्लिक करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा और इसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ओपन करेंगे तो देखिएगा इस टाइप का डॉक्यूमेंट आ गया, ठीक है, जिस टाइप का हमको हम डाउनलोड करके दिखाए हुए थे। और आपको हम अभी ये भी दिखा देंगे कि मतलब और दूसरे जगह का भी कैसे डाउनलोड करते हैं, आपको बस दिखा देते, पूरा पूरा डिटेल नहीं दिखाएंगे उसका, सिर्फ दिखा देते हैं आपको, ठीक है। कैसे किया जा सकता है किसी भी स्टेट का, जैसे पहले पार्टनर पे जाएंगे, ठीक है,
अगर बिहार बोर्ड का है तो बिहार बोर्ड पे क्लिक करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर देखिए बिहार बोर्ड पे क्लिक किए, उसके बाद जो भी सर्टिफिकेट निकालना है वो निकाल सकते हैं। इसी तरह का हर स्टेट का होगा, ठीक है। तो आपको हम अब पैन कार्ड का भी दिखा देते हैं कैसे होगा पैन कार्ड का। चेक पार्टनर सेक्शन पे इसी पे फिर जाएंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ नीचे देखिएगा दोस्तों, नीचे जाने पे यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑल स्टेट जो लिखा हुआ है इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे पैन वेरिफिकेशन रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपका जो पैन नंबर होगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पहले ही से डाला हुआ आएगा, पैन नंबर होगा इस पर डाल देना है। जैसे हम डाल के अपना करके दिखाते हैं, जैसे हम सब कुछ डाल चुके हैं यहाँ पे। उसके बाद गेट डॉक्यूमेंट पे जैसे ही करेंगे तो ये हमारा पैन कार्ड जो है वो वहाँ से फेच करके, जो इंटर्न वो इनकम टैक्स का जो ऑफिस है वहाँ डिपार्टमेंट है वो ऑनलाइन से वहाँ से निकाल के लाएगा, ठीक है। जैसे आगे यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ऐसे ही पैन कार्ड भी हमारा डाउनलोड होके दिखा देगा, ठीक है। और ये जो बार कोड रहता है इससे वेरीफाइड होता है, ये QR कोड जिसको आप लोग कहते होंगे वो अगर स्कैन कीजिएगा तो ज़रूर आपका आ जाएगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है।